नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार कैरी में। नशे के खिलाफ सरकार व सामाजिक संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश के 12 जिलों के नागरिक अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं और शेष बचे जिला नागरिक अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र शीघ्र खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्र में मैन पावर भी बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने यह बात आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सभागार में कही। उन्होंने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के साथ साथ एनजीओ व सामाजिक संस्थाओं को भी मिलकर कार्य करना होगा। स्थानीय निकाय व पंचायत स्तर के साथ साथ स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी जागरूकता कैंप लगाए जाने चाहिए। इसी के साथ श्री अरोड़ा ने कहा कि पुलिस द्वारा नशाखोरी में संलिप्त लोगों को पकड़ने के अलावा ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी भी जब्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे को ख़त्म करने, सप्लाई चेन को तोड़ने और नशा बेचने वाले व्यक्तियों को पकड़ने के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया है। पंचकुला पुलिस नशे के विरुद्ध पूरी तत्परता से लड़ाई लड़ रही है और एक विशेष अभियान के तहत इस वर्ष अब तक 86 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। 83 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसके अलावा जिला पुलिस द्वारा स्कूल कॉलेज के साथ साथ मार्केट व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम भी किया जा रहा है। देखिए, आपने जैसे मैंने जो अभी एक अभिभाषण भी दिया है उसमें भी प्राइमरीली यही है कि जो आज इंटरनेशनल ड्रग डे है तो उसके ऊपर जो एक कैंपेन अगेंस्ट ड्रग्स है उसको एक होलिस्टिक वे में कैसे हम सब ने डील करना है, चाहे वो डिमांड साइड पे हो, सप्लाई साइड पे हो, क्योर साइड पे हो, रिहैबिलिटेशन साइड पे हो, गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज़ का क्या रोल है उसमें, प्राइवेट्स अपने जो हमारी एनजीओज़ हैं उनका क्या रोल है, सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, तो ये एक ऐसी चीज़ है, मीडिया का क्या रोल है, इन सब चीज़ों को, इन सब जितने विंग्स हैं इन सब को मिलके ही ये काम करना पड़ेगा क्योंकि ये एक समस्या है जो बहुत बड़ी बनती जा रही है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको केवल एक गवर्नमेंट प्रोग्राम ना करते हुए इसको हमें एक बहुत विस्तृत जो रूपरेखा है जो उसकी तैयार की गई है उसी विस्तृत रूपरेखा के तहत जो पंचकुला पुलिस के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है उसमें मैं यहाँ पर आया हूँ। आपने सर डिहाइड्रेशन सेंटर्स की बात की थी, तो क्या ड्रग फ्री पंचकुला के लिए क्या उनको बढ़ाया गया क्या? देखो, ऐसे है कि जो डी एडिक्शन सेंटर अभी तो हमारे 12 चल रहे हैं, वैसे पंचकुला में भी एक चल रहा है, लेकिन अब हम इसको हर डिस्ट्रिक्ट में डी एडिक्शन सेंटर एक हमारा होगा और प्राइवेट में भी इसके चल रहे हैं। और लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि जो ड्रग डी एडिक्शन में और ज़्यादा जो मैन पावर है वो हम यहाँ पर अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेके आएँ, क्योंकि जो ड्रग्स की प्रॉब्लम जैसे बढ़ रही है उसी प्रकार से जो उसको ट्रीट करने के लिए जब तक हमारे पास विस्तृत उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तब तक हम वो काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, युवाओं को तो मैसेज यही है कि एक नशा आप और हम सब जानते हैं कि ये घातक है, व्यक्ति के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए घातक है। तो इसलिए इससे हमें दूर रहना चाहिए और केवल एक अपने लिए घातक नहीं है लेकिन अल्टीमेटली जैसा यहाँ पर भी एक चर्चा की गई है, चाहे वो इकोनॉमी के लिए हो, चाहे वो क्राइम के लिए हो, चाहे वो दूसरी चीज़ों के लिए हो, इसके बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत तरफ हैं, तो उन सबसे दूर रहने का एक ही तरीका है कि जो हमारा युवा अगर ड्रग से दूर रहता है तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो एक हमें विजय है वो प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल चलाए जा रहे हैं, अभी परसों ही संडे वाले दिन ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक मधुबन से एक बहुत विस्तृत कैंपेन जो है वो लॉन्च करेंगे पूरे हरियाणा साइड पे और काफ़ी दिन तक ये, अब ये एक ये जो प्रोग्राम है ये केवल एक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं रहेगा, ये आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये जो नशे के खिलाफ जो प्रोग्राम है ये कंटिन्यूस प्रोग्राम रहेगा, हमेशा ही कहीं ना कहीं, चाहे वो स्कूलों में है, कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, पंचायतों में है, लोकल बॉडीज़ में है, डिपार्टमेंट्स में है, सप्लाई साइड पे हमारे पुलिस की डिफरेंट कैंपेन्स चल रही हैं, हेल्थ साइड पे है, सोशल जस्टिस साइड पे है, ये लगातार अब ये कार्यक्रम जो हैं वो चलते रहेंगे ताकि इसके ऊपर हमें जो एक वी शुड बी ऑन द टॉप ऑफ दिस सिचुएशन। ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो तो बकायदा एक हरियाणा एक वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स है जहाँ पर एक हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया है जिसके मिस्टर श्रीकांत यादव जो हैं, जो ADGP अंबाला वो उसके हेड हैं, और उससे एक फोकस अटेंशन जो है
वो सारी की सारी जो ड्रग्स की सप्लाई है उसको रोकने में, अवेलेबिलिटी को रोकने में वो उनके द्वारा दी जा रही है। ऑफ कोर्स जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैं हर जगह पर ये काम कर रही हैं, लेकिन उनका पूर्ण रूप से ये जो काम है वो इसी के ऊपर केंद्रित है। नहीं, ये ठीक है। अब ये चीज़ें इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से जो हमारे यहाँ पर गृहमंत्री जी के स्तर पर और मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें इसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस किया गया है कि केवल एक वन टाइम आपने ड्रग्स सीज कर लिए उससे नहीं बात बनेगी, अल्टीमेटली उससे कनेक्टेड जो सारा का सारा केसेस हैं उनकी किस प्रकार से प्रोसिक्यूशन में कैसे हमें पार्टिसिपेट करना है, या जो इस प्रकार की जैसे आपने कहा कि प्रावधान अलग अलग हमारे जो उसमें हैं एक्ट में हैं उनको लागू करने के लिए, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ को सीज करने के लिए, ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है। लेकिन अब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैं या HSNCB वाले हैं वो इस तरफ भी अब चल पड़े हैं और उन्होंने शुरू किया है। कई जगह पर ये शुरू हुआ है, कुरुक्षेत्र में हुआ था, करनाल में हुआ, ये पंचकुला में इन्होंने आपको बताया हुआ, इसी प्रकार बाकी जिलों में भी ये इस प्रकार से कर रहे हैं। साइबर क्राइम एक डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत ही बड़े स्तर पर बढ़ रहा है, और ख़ासकर जो बहुत सारे लोग हैं क्योंकि उनको उनकी जानकारी नहीं होती। लेकिन अभी तक तो जो हरियाणा सरकार के पास एक लिमिटेड साइबर क्राइम के लिए वो मैन पावर थी, लेकिन अब इस बजट स्पीच में आपने सुना होगा कि हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बजट स्पीच में भी कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन जो है डेडिकेटेड एस्टेब्लिश किया जाएगा। उस कड़ी में सबसे पहले डिविजनल लेवल पर, हर डिविजन लेवल पर 6 जो हमारे डिविजनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर इमीडिएटली उसको एस्टैब्लिश करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है, और आने वाले दिनों में हम ये कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से घोषणा की गई थी हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन हो जो डेडिकेटेड वे में, जैसे ड्रग्स के लिए डेडिकेटेड वे में एक स्टेट लेवल का नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक डेडिकेटेड साइबर कंट्रोल साइबर पुलिस स्टेशन हो जहाँ पर साइबर क्राइम्स जो हैं वो बकायदा रजिस्टर होंगे, उनके पास उसी प्रकार की ट्रेंड मैन पावर होगी ताकि वो इस चीज़ को भी आगे, ज्यों ज्यों सोसाइटी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं, नई नई चीज़ें हैं जो क्राइम में भी बढ़ती हैं वो आती हैं, तो गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से कोशिश करती है कि उस तरह की चीज़ों को भी कंटेस्ट करने के लिए, फ़ाइट करने के लिए एक अपनी मैन पावर को भी आगे लेके आए और उसको एडिशनल मैन पावर भी जो है वो मुहैया करवाया। हरियाणा को लेकर कहें कि बहुत बड़ा अभियान चलाया गया, तो क्या साइबर क्राइम को लेकर भी ऐसा कोई अभियान चलाया गया? ये तो एक ऑनगोइंग प्रोग्राम है, साइबर क्राइम को ऐसा नहीं, ये तो एक ऑनगोइंग है। लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारे हमारे जो अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ्स हैं, यंग ऑफिसर्स जो खुद भी काफ़ी वेल वर्स्ड हैं विद द IT, और क्योंकि उसी बैकग्राउंड से आए हैं, यंगस्टर्स जो गवर्नमेंट में भी यंगस्टर्स हैं जो जितने आ रहे हैं दे आर ऑल्सो वेरी वेल वर्स्ड इन दी IT एंड रिलेटेड थिंग्स, तो उनके द्वारा एक अवेयरनेस कैंपेन जो है बकायदा साइबर क्राइम की बहुत बार चलाई जा चुकी है और चला रहे हैं। धन्यवाद। पुलिस पहले से मैन पावर में परेशान है, इनको एडिशनल भी मैन पावर अब सैंक्शन हुई है, अब धीरे धीरे चल रहा है वो।